मुंबई के भाटू इलाके में स्थित ड्रीम मॉल में चल रहे एक सनराइज अस्पताल में आग लगने के हादसे में कोविड 19 के 11 मरीजों की मौत हो गई। वहीं मुंबई पुलिस ने इस अस्पताल में आग लगने की घटना के मामले में FIR दर्ज करवा लिया है। 29 मार्च को देश भर में होली का त्यौहार मनाया जाएगा। होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। होली रंगों तथा हंसी खुशी का त्यौहार है। यह भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से होली की रौनक कम दिख रही है, लेकिन घरों में अब भी सही होली के गाने बजने लगे हैं। ऐसे में हम आपके लिए लाए हैं रंगों के त्यौहार होली के कुछ ऐसे गाने जो YouTube पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। हैदराबाद के भादरापुर इलाके में एक गोदाम में तड़के सुबह आग लगने की खबर है। भादरापुर इलाके में एक गोदाम और 6 दुकानों में आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। हैदराबाद पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए अहम फैसला सुनाया गया। इस फैसले में ऐसे 26 महिला अधिकारियों का भी जिक्र किया गया है जिन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, लेकिन स्थायी कमीशन नहीं मिल रहे हैं। ऐसी महिला अधिकारी जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के मिशनों में भी काम किया, उनको भी स्थायी कमीशन नहीं दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 2 महीने के भीतर इन महिलाओं को कमीशन मिले। एक्टर सलमान खान बेहतरीन एक्टिंग के साथ साथ शानदार पेंटिंग करने का भी शौक रखते हैं। वह अपनी इस कला को लेकर कई बार सुर्खियों में भी बने रहे। अब अभिनेता ने बताया कि उनकी पेंटिंग की प्रदर्शनी होने जा रही है, जहां पर महान कलाकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग रखी है, वहीं पर एक्टर की पेंटिंग की भी प्रदर्शनी नजर में आने वाली है।